एक तो मेरे चैनल, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर BSNL FTTS फाइबर कनेक्शंस के बारे में, जो कि मैंने हाल ही में यहाँ पर अपने घर पर लगाया है। तो BSNL के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और कुछ ही दिन ही हुआ है, मतलब 10 दिन हुआ है, तो सब एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बदल देना, बेल आइकन है उसको भी दबा देना। तो फाइबर कनेक्शंस के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर मैंने जियो फाइबर या फिर एयरटेल फाइबर जो यहाँ पर लगाने की कोशिश की थी अपने घर में, क्योंकि मेरा घर गांव में है, तो यहाँ पर फाइबर कनेक्शन आना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और मैंने ऐप पर भी चेक करके देखा, तो यहाँ पर कमिंग सून ही दिखा रहा था। तो कुछ दिक्कत की वजह से मेरे को लगा कि मतलब BSNL के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अभी फाइबर टू होम वाला जो सर्विसेज है वो यहाँ पर शुरू हो गया है यहाँ पर गाँव में। तो यहाँ पर BSNL के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है सब इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, मतलब शेयर करने वाला हूँ। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पर BSNL, मतलब मैंने कैसे यहाँ पर अप्रोच किया। तो BSNL वेबसाइट में यहाँ पर जाकर मैंने जब अप्लाई किया था, तब कोई रेस्पॉन्स मुझे देखने के लिए नहीं मिला था। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरा एक जान पहचान थी, उसने मेरे एक एग्जीक्यूटिव का नंबर दिया BSNL का फाइबर जो यहाँ पर लगा रहा था। उसके साथ बात करके मैंने BSNL के बारे में पूछा, मतलब उसने बोला था कि मतलब यहाँ पर मेरे गाँव में पहले BSNL फाइबर का कोई मशीन वगैरह भी नहीं था, मतलब किसने भी लिया नहीं था, तो सारा कुछ नया मशीन वगैरह यहाँ पर सेटअप करना पड़ा। 15-20 दिन के बाद मेरे को कनेक्शंस मिल गया था। अगर आप लोग BSNL अगर आप लोग गांव में है या फिर यहाँ पर आप लोग का BSNL फाइबर का प्लांट है, मतलब BSNL फाइबर का ऑप्शंस है, तो आप लोग को जल्दी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि मेरे गांव में यहाँ पर BSNL फाइबर अभी तक आया नहीं था, तो इसलिए न्यू मशीन्स वगैरह यहाँ पर लगाना पड़ा, सेटअप करना पड़ा। उसके बाद ही मेरे घर में यहाँ पर फाइबर के कनेक्शंस यहाँ पर मिला था। तो यहाँ पर प्लान के बारे में बात करें, तो मेरे पास जो प्लान है यहाँ पर 500 रुपीज़ का है, फाइबर बेसिक वाला प्लान, जहाँ पर मुझे 40 Mbps तक स्पीड यहाँ पर मिल जाता है टिल 3300 GB तक। और यहाँ पर वॉइस वगैरह भी फ्री है, पर उसके साथ टेलीफोन वगैरह कनेक्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पर मैंने वो ऑप्शन यहाँ पर चूज़ नहीं किया है। मतलब ऑप्शंस तो है, मतलब टेलीफोन वगैरह नहीं लिया है, क्योंकि मोबाइल वगैरह तो है। बाकी जियो का टावर या फिर एयरटेल का टावर तो नज़दीक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। पर वो दिक्कत ये था कि यहाँ पर फाइबर नहीं आता था एयरटेल या जियो का। तो यहाँ पर आप लोग को स्पीड टेस्ट वगैरह भी यहाँ पर करके दिखाता हूँ, मतलब BSNL का कैसा स्पीड यहाँ पर मेरे को आ रहा है। जो कनेक्शन का प्राइस रहा यहाँ पर 3000 रुपीज़ उन्होंने लिया मेरे से। और इसके साथ आप लोग को एक एडाप्टर देखने के लिए मिल जाएगा, जो यहाँ पर चार्ज होते हैं, यहाँ पर चार्ज नहीं मतलब कनेक्शन के लिए, यानी यहाँ पर ये राउटर देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर मेरे को जो राउटर यहाँ पर दिया है वो सिंगल बैंड का है, 2.5 GHz वाला, तो यहाँ पर 5 GHz वाला ऑप्शन नहीं है। और मतलब इतना दिक्कत नहीं होता है, 2.4 GHz में यहाँ पर आप लोग को ज़्यादा यहाँ पर रेंज देखने के लिए मिल जाएगा। एंड मेरा जो यहाँ पर वर्क सेटअप है यहाँ पर, तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर रहता है, तो कुछ दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को तो यहाँ पर आप लोग को मैं यहाँ पर स्पीड टेस्ट करके दिखा देता हूँ, कितना स्पीड मेरे को देखने के लिए मिल रहा है। सो 40 Mbps के कनेक्शन में यहाँ पर कुछ इस टाइप का स्पीड देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप लोग स्पीड की बात करो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो 40 Mbps के कनेक्शन में मुझे कुछ 40 Mbps के आसपास की यहाँ पर स्पीड देखने के लिए मिल जाएगा, डाउनलोड हो गया फिर अपलोड हो गया। कुछ इस टाइप का एक्सपीरियंस रहा मेरा BSNL के साथ। अगर आप लोग BSNL के कनेक्शन लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। बेसिकली जो रूरल एरिया के लोग हैं यहाँ पर, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि बाकी फाइबर कनेक्शन जो यहाँ पर पाना मुश्किल हो जाता है बहुत बहुत गाँव में या फिर कुछ रिमोट एरियाज़ में। तो अगर BSNL जा रहा है, आप लोग को मिल रहा है, तो उसकी तरह आप लोग ज़रूर जा सकते हैं। और यहाँ पर जियो का एयर फाइबर भी आया है, पर वहाँ पर लेटेंसी वगैरह इतना अच्छा देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर BSNL का सॉरी अगर आप लोग जियो का टावर नज़दीक है 5G का, तभी आप लोग को सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा जियो एयर फाइबर या फिर एयरटेल एयर फाइबर के। तो अभी तक तो मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं लगा, मतलब स्पीड वगैरह में यहाँ पर डाउनलोड अपलोड वगैरह भी यहाँ पर सेम स्पीड आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब जितना कनेक्शन का स्पीड दिया है वहाँ उतना ही आता है यहाँ पर, कोई यहाँ पर दिक्कत मुझे नहीं लगा। हाँ, पिंग थोड़ा सा हाई यहाँ पर ज़्यादा लगता है मेरे को बाकी फाइबर कनेक्शन के मुकाबले। तो बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।